Hello everyone तो ये सेशन आप सभी के लिए है चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं चाहे आपकी भाई बहन है चाहे आप अपने लिए देख रहे हैं या अपने दोस्तों के लिए देख रहे हैं मेजरली हम इसमें सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की बात ही नहीं करेंगे हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे कि आप कौन कौन सी स्ट्रीम से यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं यूपीएससी में क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको वो एग्जाम क्रैक करवाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है राइट सर बिल्कुल और अभी क्या है आप लोग जो है क्लास इलेवेंथ में आए हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए आपके जो छोटे भाई बहन हैं या आपसे जो बड़े भाई बहन हैं उन सभी के लिए हम लोग कुछ खास लेकर के आए हैं ट्रूली तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले एलन के बारे में एलन की जो क्लासेस है वो क्लासेस टू के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है तो अगर आपके छोटे भाई बहन आपका दोस्त आपके मिलने वाले अगर वो कोई भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि यहाँ पे बिना किसी फीस के आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और ये एग्जाम कब होने वाला है सर ये एग्जाम होने वाला है सत्रह तारीख को यानी जो आने वाली सत्रह तारीख

करके नीट जेई की पढ़ाई करने वाले हैं तो भी आपको पता है कि एलन का कितना बड़ा नाम है नीट जेई में और वो अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको बोलने के लिए मतलब आप देखते ही है कि हर जगह टॉपर्स की लिस्ट में सबसे पहले एलन के स्टूडेंट्स का नाम आता है तो आप भी अपना अगर नीट जेई का स्ट्रीम लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर से दीजिएगा बिल्कुल और आपने देखा भी है कि भाई जब भी टॉपर्स की बात आती है या रैंक वन टू हंड्रेड की बात आती है टॉप रैंक्स की बात आती है टॉप टेन हो टॉप ट्वेंटी हो टॉप थर्टी हो तो उसमें एलन का नाम जरूर होता है अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना तो उसके लिए बच्चों इस टेस्ट को जरूर दें डेफिनेटली और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि यूपीएससी में नीट जेई के थ्रू या फिर आपका जो सेगमेंट है कि आपको साइंस से क्योंकि जनरली हम सुनते हैं कि आर्ट्स का स्टूडेंट जो है वही बन पाता है आगे जाकर के यूपीएससी क्रैक कर पाता है आई बन पाता है ऐसा कतई नहीं है इन भ्रांतियों पर बिल्कुल मत जाना क्योंकि साइंस स्ट्रीम से भी इवन मेरे नोन भी है और मैं आपको यहां पर बताऊंगी भी आगे चलकर सेशन में कि कैसे साइंस स्ट्रीम से आते हुए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हुए उन्होंने फर्स्ट रैंक ली थी फर्स्ट

मैं उसके लिए बिल्कुल मतलब उसके असहमत करती हूँ पॉइंट को क्योंकि अगर एक प्लान आपने बनाया है वो बाय लाइक कुछ भी होकर के गलत हो जाए कुछ भी हो जाए हमें क्या पता उसका आउटपुट वही निकलेगा तो इसलिए रियलिस्टिकली हमें उसको देखते हुए एक प्लान में भी लेते हुए चलना चाहिए बिल्कुल सही बात देश सेवा से बढ़कर कुछ नहीं बात ये हमने जानी है कुर्बान है ये जिंदगी देश पर इसमें ना कोई हानि है हेलो एवरीवन आई होप कि आप सब अच्छे हैं मस्त हैं और अभी एग्जाम से फ्री हो चुके हैं लेकिन यही सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए जहां जहां आप आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, जहां आप ये सोच सकते हो हो ये सोच जो आपका सपना है कि मैम हमें IAS बनना है मैम हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है इसके बारे में तुम्हारे जो भिन्न भिन्न क्वेश्चन है भ्रांतियां मैम क्या सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रीम वाले ही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं क्या मैम साइंस वाले बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते एज क्या होती है ये सारे क्वेश्चन के Sir, आपको मिलेंगे इस सेशन में तो एंड तक जरूर से देखना है आपको इस सेशन को बिल्कुल तो चलिए मैम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हमें एक ऑफिसर बनना है हमें जो है IUPSC क्लियर करना है और हमें जो है एक ऐसे पद पर जाना है या जैसे ज्यादातर बच्चों का सपना होता है कि हमें जिलाधिकारी बनना है है ना जैसे मेरा भी कभी ना कभी सपना रहा है अगर मैं अपनी बात करूँ तो तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसकी तैयारी की जाती है है ना क्या क्या चीजें जरूरी है क्या एज लिमिट होनी चाहिए बाकी सारी बात हम लोग तो सबसे पहले यूपीएससी फॉर्म पता होना चाहिए यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन वाली बात जब हम करते हैं देखो आप यहाँ पे लोगो देखो यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन होता है यूपीएससी का फुल फॉर्म इसका एग्जाम जो होता है उसमें आता है सी होता है, है ना? जो होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सी एस को ही, कहा जाता है, पहली बात तो ही है. क्योंकि बच्चों आप लोगों को पूरी आप बताएंगे कैसे पेपर होता है कौन कौन से हम ऑफिस की बात करते जाए, तो वहां पर झंडे को देखकर सलाम करें आपके डेस्क पर भी इसी तरीके से जैसे आप देख सकते हैं झंडा हो आपके या फिर हो सकता है कि आप पब्लिक के अलावा पुलिस सर्विसेज में जाना

कि देखिए सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट होता है एक बच्चे के सामने जब एक बच्चा क्लास इलेवेंथ में आता है तो उसके सामने तीन रास्ते होते हैं या तो वो आर्ट साइड चुन ले या वो साइंस साइड चुन ले या फिर वो कॉमर्स साइड चुन ले अब इन तीनों में से हमें कोई एक रास्ता चुनना होता है लेकिन यहां पर बच्चों के मन में मैम सबसे बड़ा यह सवाल रहता है कि क्या आर्ट्स वाला बच्चा ही आई क्लियर कर सकता है या फिर क्या साइंस साइड वाला बच्चा जो है यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता है। इस बात के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यहाँ पे बता दू बच्चों दो में सो so आपने देखा हो नहीं देखा हो लेकिन 2019 में जो टॉपर बने थे आई के टॉपर रहे हैं जिनका नाम है प्रदीप सिंह जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते थे समझ रहे हैं तो इसमें कोई भी ये चीज नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वाले ही प्रिपरेशन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले प्रिपरेशन नहीं कर सकते हर कोई कैडर के प्रिपरेशन कर सकते हैं आपका कोई भी स्ट्रीम हो और इलेवेंथ से ही शुरुआत कर दो इलेवेंथ से शुरुआत करने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं बच्चा क्योंकि आप सोचो आप इलेवंथ में पढ़ोगे आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे आप ग्रेजुएशन करोगे क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए मिनिमम जो है आपके लिए वो क्वालिफिकेशन वो योग्यता है कि आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए तो पांच साल हो गए

प्री एग्जाम ठीक है जिसे हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं ठीक है ये जब हो जाता है क्लियर इसको क्लियर करने के बाद आप जाते हैं मेन्स में यानी जब आप यहां पर पास हो जाएंगे तब आप मेन्स का एग्जाम दे सकते हैं जैसे कि जेई में भी होता है पहले मेन मेंस होता है फिर एडवांस होता है तो वैसे ही बच्चों यहां पर पहले प्री एग्जाम होगा जो प्री से आप पास होंगे तो मेंस में जाएंगे जब आप मेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे देन उसके बाद आप लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए और जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप एक आई ऑफिसर जो है आराम से बन सकते हैं यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी बच्चों की आपको रियलिस्टिक होना है रियलिस्टिक होने का मतलब है कि आपको ये एग्जाम की पूरी पूरी तैयारी करनी है लेकिन साथ ही साथ में इस बात पर भी बिल्कुल तय रहना है कि अगर नहीं होता है तो हमारे पास में प्लान बी है यस yes. प्लान बी रखना है और इसीलिए मैं कह रही हूँ जो होंगे उनके पास में एक स्ट्रीम नहीं उनके पास में सिर्फ यूपीएससी ही नहीं उनके पास में इंजीनियरिंग वाला भी फील्ड होता है उनके पास में आपने जो भी फील्ड लिया है वो भी आप चूज करते हैं तो आपके पास में एक नहीं बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अवेलेबल और ऑप्शन रखना जरूरी भी है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया लेकिन एनी हाउ उनका वहां पे सिलेक्शन जैसे नहीं होता है है ना और वो जब नेक्स्ट जैसे ही वैकेंसी आई नेक्स्ट उसमें उन्होंने प्रीलिम्स दिया तो वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाते तो सोचो जिसने इंटरव्यू क्लियर कर रखा था पिछली बार उसका नेक्स्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता है माइंड भी काम करता है आप कितने पेशेंटली वहां पर कितने धैर्य से पढ़ रहे हैं इसीलिए ये पांच साल बेटा इलेवें से प्रिपरेशन के लिए इसीलिए कह रहे हैं ताकि ये पांच साल में आप अपने आप को समझ पाओगे आप यूपीएससी को समझ पाओगे आप अपने माइंडसेट को समझ पाओगे इमोशनली जो भाव

से ये जो है ये जो है आपका होता है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे यानी कि बहुविकल्पीय वाला फिर जो मेंस होता है उसमें आपको लिखना होता है लिखना होता है यानि सब्जेक्टिव जैसे आप answers लिखते हैं चार पांच लाइन का दस लाइन का ऐसे टाइप का जैसे ये, बिल्कुल long questions. ये सिमिलर आपका हो जाता है यहाँ जो यहाँ देखो ये जीएस पेपर वन टू थ्री फोर है ऑप्शनल क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है जिसमें आप महारत हासिल कर चुके चुके या जो ग्रेजुएशन में आप लेंगे है ना वो सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसमें आपको यहाँ पर छा जाना है मतलब वहां पे गंडे गंडे जो है गाड़ के आ जाने हैं आपको ठीक है यहाँ पे चाहे तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं चाहे आप हिंदी भी ले सकते हैं मतलब जो सब्जेक्ट आपका है, बढ़िया है, तो है। बिल्कुल इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं केमिस्ट्री वाला ले सकते हैं सब कुछ चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू जब ये सब आपका हो जाएगा मतलब प्रीलिम्स क्लियर हो गया मेंस का पूरा एग्जाम आपका क्लियर हो गया तब उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे और तब आपका इंटरव्यू वहां पर होगा तो ये पूरा प्रोसेस होता है अब अगर इसके बाद बात की जाए कि uh, मैम एज क्या क्या होगी है ना, क्या है ना ना आपके आपके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या एज होनी चाहिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है ना क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा है ना कौन जो है आई का एग्जाम दे सकता है कितनी बार हम लोग पेपर दे सकते हैं है ना और दूसरा कि आपकी नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए ये सारी बातें बच्चों हम लोग यहाँ पर आपको बताने वाले हैं तो एक बार देख लेते हैं क्विक जल्दी से क्या क्या चीजें हैं तो यहां पर हमारे पास जो है सबसे पहले क्या है नेशनैलिटी है हाँ, यानी नागरिकता बिल्कुल भारतीय होना जरूरी है भारतीय होना जरूरी है ठीक है उसके बाद एज लिमिट है वैसे एज लिमिट जो है वो अठारह से बत्तीस के बीच में है लेकिन अगर हम बात करें जनरल है तो बत्तीस साल हो सकता है अगर ओबीसी से है तो उनको उनका जो कोटा है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है है ना इस तरीके से तो आपका एज लिमिट मैंने आपको बता दिया एजुकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन जो है वो मिनिमम कम्पल्सरी कंपल्सरी ग्रेजुएट होना चाहिए आप अगर आप इलेवेंथ से तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ट्वेल्थ के बाद आप दे सकते हो ये टाइम जो है ये टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा

दी है ओके okay? ये सारी चीजें हमने पे डिस्कस कर दी है ये मैं पे बता देती हूं, जो मैं तगड़ा कि नहीं मैम सिर्फ आर्ट्स वाले ही हमने देखे हैं ये देखो ये जो है ना, इसमें दे रहा इसमें, आपको पूरा पूरा एक ग्राफ है उसमें दिखाई दे रहा है, ये है और ये, ये ह्यूमैनिटीजी तो आप देख लो कि एक स्कूल है उसके अंदर साठ अगर साइंस के हैं तो सत्तर जो है वो आर्ट्स के ठीक है ये स्ट्रीम लिया हुआ है तो इन स्ट्रीम के अंदर भी देख लो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है मतलब पांच सात इतने परसेंट का ही चेंजेस है तो वो लोग भी देते हैं जो साइंस से है मैं फिर से बार बार बोल दूँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिन्होंने साइंस के थ्रू आईएस क्रैक किया है यस yes. yes. और अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है क्योंकि अब आप सारे बच्चे जो है क्लास इलेवेंथ में आ चुके हैं तो भाई क्लास इलेवेंथ की पढ़ाई करनी है चाहे आपने साइंस के साथ बायो लिया हो चाहे आपने साइंस में जो है मैथ्स लिया हो दोनों के लिए ही बेटा आपकी जो पढ़ाई है आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पर हम करवाने वाले हैं ठीक है डाउटनट क्लास इलेवेंथ हिंदी मीडियम पर तो आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद नए होंगे है ना तो बेटा आपको क्या करना है आपको इस चैनल पर जाना है डाउटनट क्लास इलेवेंथ

और right? इसीलिए हम लोग आपको यहाँ पर पहले ही बताने आए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जो है इलेवेंथ से ही पढ़ाई शुरू कर दे है ना और आपके जो है इलेवें ट्वेल्थ की पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहे और उसी के साथ साथ में आपकी जो है ये सारी जो जैसे यूपीएससी की तैयारी है या जो अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहो या अगर आप किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहो आई की तैयारी करना चाहो नीट की तैयारी करना चाहो सबके लिए सभी के लिए बच्चों बात यही है कि भैया ग्यारहवीं से ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल ठीक है आपको चाहिए क्या है पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन